कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना कोई वीडियो चैनल पर डाल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ी नर्वस भी हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं जैसे कि बहुत दिनों के बाद में कोई वीडियो शूट करना, वो एक अलग ही फीलिंग है। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे, शायद 8-9 महीने हो गए होंगे कोई वीडियो अपलोड किए हुए। मैंने शायद अगस्त या सितंबर में लास्ट वीडियो डाला था, अगस्त में डाला था, उसके बाद में मेरा कोई वीडियो नहीं गया है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक पोस्ट के थ्रू आप लोगों से पूछा था कि मुझे वीडियो बनाने चाहिए फिर से या नहीं, तो आप लोगों काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि हाँ दीदी बिल्कुल बनाइए। अभी तक मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बनाते हैं। और काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा कि क्या रीज़न है, आपने वीडियो कैसे बंद कर दिए, कुछ बताया भी नहीं, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। अभी बस मैंने आप लोगों से बात करने के लिए ऐसे ही एक सोचा कि छोटा सा वीडियो शूट करके डाल देते हैं। तो ये है कि अब मैं वीडियोस अपने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे लगता है कि बनाने चाहिए। सारा दिन मैं फ्री रहती हूँ सुबह शाम के काम के बाद, तो दिन में क्या बैठ के रहना। और मैंने 8 महीने से अपने YouTube पे वीडियो डालने छोड़ रखे हैं चैनल पे, लेकिन फिर भी मेरे पास शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब किसी एक बंदे का भी कमेंट ना आया हो कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो आप लोगों का मतलब एक, जैसे नहीं कहते कि एक थोड़ा सा आप लोगों से अटैचमेंट भी हो गया है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे उस टाइम से जुड़े हैं और अभी तक भी या तो मुझसे इंस्टा पे बात करते हैं या मैसेज के थ्रू जैसे कमेंट सेक्शन में बात करते हैं, कभी मतलब कुछ दिनों में बात होती रहती है। बहुत से लोग हैं जो अब तक मुझसे जुड़े हैं, और उनके अलावा भी कई लोग हैं जो नए जुड़ रहे हैं, वो पूछते हैं कि आपके कोई वीडियोस अब क्यों नहीं आ रहे, बनाइए बनाइए। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को खो दूँ। यार अब आप लोगों से एक रिश्ता ही बन गया है। देखिए ना, बहुत से लोग हैं जिनको मैं जब से जानती हूँ, और मैं जानती हूँ हालांकि मैं कभी उनसे मिली नहीं। कई लोगों के जैसे कि पिक्स के थ्रू जानती हूँ, कई लोगों के जैसे व्हाट्सएप नंबर वगैरह पे मैंने पिक्स देखे हैं, कई पे कैसे मतलब केवल एक पिक के थ्रू अगर मैं किसी को जानती हूँ, या फिर मैं नाम से बहुत लोगों को जानती हूँ, उनसे मेरा काफ़ी अटैचमेंट हो गया है। बिना मिले जब आप लोगों से ऐसा रिश्ता है, तो मैं क्यों ना वीडियोज़ बनाना फिर से शुरू करूँ, यही मैंने सोचा है। और मुझे लगता है कि बनाने चाहिए। मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं बनाने, बहुत लोग पूछते थे बताइए ना क्यों नहीं बना रहे। बनाइए, आप कुछ भी बनाइए, आप व्लॉगिंग कीजिए, आप कपड़ों के ना बनाना हो आपको तो आप व्लॉगिंग कीजिए, कुछ भी, लेकिन आप प्लीज़ वीडियोस बनाइए। हमें आपसे बात करना अच्छा लगता है। तो मुझे भी लगा कि हाँ चलो ठीक है बनाते हैं। मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स बन गई हैं इस चैनल के थ्रू, तो काफ़ी अच्छा लगता है लाइफ में जब मैं किसी को जानती नहीं हूँ और मुझे मतलब लोग बागों को मुझसे इतना एक अटैचमेंट है, मुझे उनसे है, और एक सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे बनाने चाहिए, मुझे आप लोगों से कनेक्ट रहना चाहिए इसीलिए। तो अभी मैं बस केवल जस्ट ऐसे ही मन कर रहा था कि बना लूँ, आज से शुरू करूँ। वैसे आज हिंदू नववर्ष भी है, तो उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। चैत्र के पहले नवरात्रि की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही से शुरू करते हैं, वरना मुझे लग रहा था कि शायद थोड़े टाइम बाद करूँगी, लेकिन आज से शुरू करने का यही रीज़न है। तो आज मैंने बस कुछ दिखाया तो नहीं है, और आगे भी मैंने नहीं सोच रखा कि मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं। बस मुझे लगा कि मुझे कुछ भी दिखाना हो, कुछ भी नहीं, मुझे वीडियोज़ बनाने हैं। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए जो मुझसे 8 महीने वीडियो ना डालने के बाद अब तक जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। इतना क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग पूछते थे क्यों नहीं बनाते क्यों नहीं, वो सब मैं बताऊँगी। कुछ दिक्कतें हुई थी लाइफ में, कभी कभी कोई फेज ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि बस हम खुद के दुख से तकलीफ से नहीं निकल पाते, तो फिर वीडियोस वगैरह, लेकिन चलो ठीक है सब नॉर्मल है, और ये सबकी लाइफ में
उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। बस जिनके साथ पहली बार ऐसा कुछ होता है तो वो घबरा जाते हैं, जैसे कि मैं, तो चलो कोई भी नहीं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर एक परेशानी से। तो वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी क्या क्या दिक्कतें हुई थी, पर अभी सब ठीक है और अब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया करूंगी। तो बस यही कहने के लिए मैंने वीडियो शूट किया है, और बहुत सी बातें हैं आप लोगों से करने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अभी मैं शायद कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ उतना। थोड़ा लग रहा है अलग अलग सा, बहुत दिनों में कैमरा ऑन किया है इसलिए। तो कोई नहीं, फिर जब आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं वापस आऊँगी अपने पुराने अवतार में फिर से उसी तरीके से। तो चलिए अभी शायद इतना ही, फिर मिलती हूँ, फिर से बनाऊँगी किसी दिन वीडियो। भी ये नहीं कह सकती कि कब बनाऊँगी, लेकिन बनाऊँगी ज़रूर। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग हो चुकी है, तो आप लोग भी जुड़िए। और बस शायद अभी के लिए इतना, फिर बनाती हूँ फिर से कोई और वीडियो, और एक तो लाइफ में कुछ खुशखबरी भी है वो भी सुनानी है, लेकिन आज नहीं। आज केवल मैंने आप लोगों को ये बताया है कि चलो अब मैं फिर से वीडियोस बनाना शुरू कर रही हूँ। आने वाले वीडियोस में आपको बताऊँगी, जब बुरा होता है तो उसके साथ अच्छा भी होता है तो वही है। तो इतना बुरा नहीं हुआ था, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन फिर भी कुछ उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं कि डर जाता है इंसान की अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो कैसे क्या चलेगा, वही बातें हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी, तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में बताऊंगी। और आप मुझे बताना कि मैं टॉपिक आप देना मुझे कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं, तो मैं बनाऊंगी। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बनाना चाहिए क्या नहीं। वो टाइम निकल गया ना, 8 महीने हो गए हैं वीडियो बनाए हुए, तो थोड़ा एक संकोच रहता है मन में कि क्या करूँ कैसे करूँ। तो हाँ, शायद 2-3 वीडियोस आपको मेरे ऐसे ही मिलेंगे, थोड़ा हेजिटेशन के, घबराहट के, लेकिन फिर बाद में ठीक हो जाऊंगी। मैं ठीक हूँ, मैं अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरे सब जानने वाले हैं, मुझे ऐसा कोई वो नहीं। नन्नू आओ, चलो आपको नन्नू से भी मिलवाते हैं। बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कहते हैं गुड़िया कैसी है, पिक सेंड कर दीजिए। चलो इसमें नन्नू को भी दिखा देती हूँ मैं। ये रहा नन्ना, काफ़ी बड़ा हो गया है 8 महीने में, है ना बेटा। और ये बिट्टू है, आओ इधर, ये बिट्टू है। अभी इनका ट्यूशन का टाइम हो रहा है, अभी इनकी ट्यूटर आ जाएंगी, तो मैंने इनको तैयार कर दिया। और फिर मुझे लगा कि चलो मैं भी थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ। तो ये है नन्नू बिट्टू, हेलो कर दो। हेलो। चलिए अभी एंड करती हूँ इस वीडियो को, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, और इसमें अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बता रही हूँ अभी मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ढीला है मेरा। तो कोई नहीं, आप अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो चलाने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।